फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपसे उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पिछले लेक्चर में हमने जो है तो लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स में पढ़ा था, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। ओके, और वेरी फेमस रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये हमने स्टडी किया था कि 5 किंगडम क्या है, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूकेरियोट्स, प्रोकेरियोट्स, और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में क्लासिफाइड किया गया। देन देयर किस तरह से उनके किंगडम बने। ओके, 5 किंगडम जैसे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया। इस सब के बारे में हमने स्टडी किया था, जिसमें से हमने डिटेल में हमने जो इन्फॉर्मेशन लिया था वो है किंगडम मोनेरा का। किंगडम मोनेरा को हमने लास्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल से उसका देख लिया था। ओके, तो आज भी थोड़ा सा उसका मैं लाइटली आपको रिविज़न करा देता हूँ कि किंगडम मोनेरा में तमाम के तमाम जितने भी बैक्टीरियाज है और ग्रीन ब्लू ग्रीन अलगी, ये सब उसके अंदर आते हैं। ओके, और किंगडम मोनेरा क्या है, एक्चुअली ये प्रोकैरियोट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ओके, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इजंट इट। ओके, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें जो है तो इसके और क्या, दे आर यूनिसेलुलर, दे मे भी ऑटोट्रॉपिक और एटोट्रॉपिक, ये जो है तो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, एटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड फ्रेंड्स। किंगडम प्रोटिस्टा को हम आज स्टडी करने वाले हैं। किंगडम प्रोटिस्टा ये जो है कि यूकेरियोट्स में आता है। ओके, इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, सो यू कैन चेक इट, ये एक सिंपल एक्टिविटी आपको दिया हुआ है कि आप प्रिपेयर अ टेम्प्ररी अमाउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर, जो पॉन्ड वाटर जहाँ पे पानी थम जाता है, गटर हो गया और झील लैक हो गया और किसी ऐसे जगह पर जहाँ पे पानी थम रहा हो, तो उस पानी के अंदर ये ग्रो करते हैं। ओके, प्रोटिस्टा कहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ पानी जो है तो ज़्यादा मोशन में नहीं है, फ्लो नहीं हो रहा है, वहाँ पर ये आके ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन सी इट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की मदद से हम इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, प्रोटिस्टा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है। ओके, इनके अंदर एक ही सेल होते, ये एक ही सेल्स के बने होते हैं। ओके, विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके जो है तो इनका न्यूक्लियस जो है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है। ओके, एंड अराउंड दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट एनिमल्स और डेट सेल, उसका रिमेनिंग पार्ट बाहर होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है, कैसे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इजंट इट। ओके, देन कुछ टाइप यहाँ पे आपको दिए है, वॉलवॉक्स हो गया, वॉलवॉक्स, पैरामीशियम, अमीबा, यूक्लिना, दीज आर 4। ओके, यहाँ पे आप 4 टाइप्स बताई गई है प्रोटिस्टा की। ओके, दे हैव सूडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया और वी लाइक फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। सूडोपोडिया जो है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकोमोशन के लिए, और जिस तरह हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, इस तरह उनके पास फूड को इंजेस्ट करने के लिए अमीबा के पास सूडोपोडिया होता है, उसके पैर लाइक है, पैर जो है तो मोशन में मदद करते हैं और फूड को एब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं, ये उसका जो आउटर पार्ट्स है। ओके, दीज आर दी सूडोपोडिया। ओके, तो ये अमीबा के अंदर पाया जाता है। इसी तरह से आप देख रहे हैं हेयर लाइक सीलिया, सीलिया जो है यहाँ आप उसको अगर मैं जूम करूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ हेयर लाइक सीलिया आपको नज़र आ रहा है, सम स्मॉल पार्ट्स हेयर लाइक। ओके, तो ये जो है तो सीलिया है, इसके अंदर ये किसके अंदर पाया जाता है, पैरामीशियम के अंदर। ओके, पैरामीशियम के अंदर ये लोकोमोशन के लिए, जिसकी मदद से वो लोकोमोशन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, 1 प्लेस टू अनदर प्लेस वो जा सकते हैं, और इसी की मदद से वो फूड को भी अंदर क्या कर सकते हैं, एब्सॉर्ब कर सकते हैं। देन एंड फ्लैजिला जो है ये यूग्लना के अंदर पाया जाता है, ये जो आप देख रहे हैं हेयर लाइक, लॉन्ग हेयर लाइक, दिस इज़ फ्लैजिला, इजंट इट। ओके स्टूडेंट्स, देन ऑटोट्रॉप्स, दे मे बी ऑटोट्रॉप्स और मे बी
हेटरोट्रॉप्स, कुछ इसमें से हेटरोट्रॉप्स है, कुछ जो है तो ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप किन्हें कहा जाएगा जो खुद से फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। खुद से कौन फूड प्रिपेयर कर सकता है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो। ओके, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें ऑटोट्रॉप जो है वॉल्वॉक्स और युगलिना और वॉल्वॉक्स, ये जो कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स की, यही खाली प्रोटिस्टा के अंदर फूड को प्रिपेयर करने वाले हैं, ऑटोट्रॉफ है। ओके, एंड हेटरोट्रॉफ्स में जो दूसरों से फूड ले रहे हैं, दैट इज अमीबा एंड पैरामीशियम। जैसे कि हमने कहा इसके अंदर लोकोमोशन के लिए इनके पास हेयर लाइक सीलिया है, सुडोपोडिया है, तो इसके जरिए से फूड भी एब्सॉर्ब करते हैं और लोकोमोशन में उनको मूवमेंट के लिए भी मदद करते हैं। ओके, इजंट इट। तो अमीबा और पैरामीशियम ये हेटरोट्रॉफ में आता है, इजंट इट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में क्या है, देखिए यहाँ पे आप एक फिगर देख पा रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ फंगी। ओके, हमें फंगी कहाँ देखने को मिलता है, फंगी जो है हमें ब्रेड पर। ओके, और जो सड़ी हुई चीज़ें हैं, जहाँ पर डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, जहाँ पे पानी जो पानी के ज़्यादा कांटेक्ट में है और जो ज़्यादा ख़राब हो गई चीज़ें, जैसे कि लेदर हो गया, ओके, चमड़ा हो गया इस तरह से, और इसी तरह ब्रेड वगैरह, रोटी जो बासी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उस पर जो है तो आपको देखने को मिल सकता है। ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व इट, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक वी विल स्टडी। दीज आर नॉन ग्रीन। ओके, ये नॉन ग्रीन होते हैं, मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो सकता है कि ये खुद से अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। खुद से अगर फूड प्रिपेयर नहीं करें तो ये क्या होगा, दूसरों पे डिपेंड होगी, तो ये दूसरों को फूड्स के तौर पर यूज़ करते हैं। दे आर यूकैरियोटिक, मींस इनके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, यूकैरियोटिक है। ओके, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, हेटरोट्रॉपिक है यानी मतलब दूसरों से फूड लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं है तो ये खुद से फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो ये दूसरों से फूड लेंगे। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉप्स, इनमें से कुछ सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स किन्हें कहा जाएगा, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं और उन पर ग्रो करते हैं, उन्हीं को खाते हैं, जहाँ रहते हैं उन्हीं को ये खाते हैं। दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे आपको कहा मैंने डेड डिकेइंग जो सड़ी गली मुर्दार चीज़ें, उनको ये वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। ओके, देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन। चिटिन नाम की एक शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर, वो इनकी सेल वॉल उससे बनी होती है। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, या आप इसको माइक्रोस्कोप की मदद से आसानी से हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक सेल वॉल प्रेजेंट है। ओके, वी कैन नॉट ऑब्जर्व विद आवर नेकेड आइज, हम अपने नेकेड आइज इसको नहीं देख सकते। ओके, तो इसकी जो है तो आउटर लेयर है, आउटर सेल वॉल है, वो जो है कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी हुई है, चिटिन से। सम फंगी आर थ्रेड लाइक एंड मैनी न्यूक्लियर आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इनमें से बहुत सारे फंगी जो है वो क्या है, थ्रेड लाइक है। ओके, थ्रेड लंबे धागे की तरह पाए जाते हैं। ओके, एग्जांपल बेकर ईस्ट, जैसे कि आपने देखा होगा पाव के अंदर, ब्रेड के अंदर जो ईस्ट डाला जाता है खाने, उसको फ्लॉपी बनाने के लिए, जिसकी वजह से और ज़्यादा फ्लॉपी हो जाता है। ओके, सो बेकर ईस्ट। एस्परजिलस फंगस ऑन कॉर्न के ऊपर जो है तो मकई के ऊपर जो फंगस आता है, डेट इज़ एस्परजिलस। पेनिसिलियम इसके एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम वन काइंड ऑफ टैबलेट इज फॉर्म पेनिसिलिन नाम की एक टैबलेट इससे बनाई जाती है, दवाई बनाई जाती है। ओके, वेरी बेनिफिशियल। ओके, मशरूम, जैसा कि आपने देखा होगा रास्तों पर जहाँ गंदगी वगैरह होती है, वहाँ पे कुछ मशरूम वो आपको देखने को मिल सकते, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। ओके, सम आर कल्टिवेटेड इन द लैंड, जो है तो ज़मीन में कुछ खेती की जाती है कुछ मशरूम की, और कुछ जो है तो नेचुरली जो है तो गंदी जगहों पर पाए जाते हैं, जो ज़्यादा टॉक्सिसिटी जिनके अंदर होती है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इजेंट इट नाउ स्टूडेंट आवर, सो ये ग्रो कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पे स्पोर्ट्स, अब ये चीज़ आप समझ लीजिए कि यहाँ पर स्पोर्ट्स इनका जो ग्रो होने का जो क्या रीज़न है, कैसे ग्रो हो रहे हैं इनके जो है तो ऊपर आपको ये आप देख पा रहे हैं ऊपर के हिस्से में, यहाँ स्पोर्ट्स होते हैं इनके। ओके, यानी ये जैसे ही एक फर्टिलाइजेशन इनका हो जाता है, एक प्रॉपर जो है तो इन्वायरमेंट के अंदर ये अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, तो उनका जो ऊपर स्पोर्ट्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स इनके उस पर कंसिस्ट होते हैं, तो ये क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर की मदद से ये स्प्रेड होते हैं, जहाँ गिरते हैं वहाँ जाकर अपना नया ऑर्गेनिज्म
ग्रो कर लेते हैं, नया जो है तो वहाँ पर नए से जो है तो नया प्लांट और सॉरी नया ऑर्गेनिज्म जो है तो जनरेट करते हैं, नया फंगी वहाँ पर जनरेट होता है, इस तरह से वो अपने आप को ग्रो करते चले जाते हैं, इजंट इट। नाउ आवर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया वो हम थोड़ा सा इसमें स्टडी करने वाले हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स हैं, बेसिकली दे आर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देखो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, क्योंकि ये हम देख भी नहीं सकते और ये छोटे से हिस्से में लाखों करोड़ों की तादाद में हो सकते हैं, इज़न्ट इट। सो इनका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सो दे आर क्लासिफाइड इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर से बैक्टीरिया आते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, बाकी जितने भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सब के सब क्या है, यूकैरियोट्स है, मीन्स उनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, जैसे कि प्रोटिस्टा है, फंगी है, एल्गी है। अब इनका जो साइज़ है वो नैनोमीटर या माइक्रोमीटर की मदद से मेज़र किया जाता है, इजंट इट। हम इसको कायम मेज़र कर सकते हैं नैनोमीटर और माइक्रोमीटर में, इजंट इट। नाउ फर्स्ट आवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज माइक्रोब्स इज अ बैक्टीरिया, नाउ वी विल स्टडी इट इन डिटेल। अब बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया का जो साइज़ है इट्स अ 1 micrometer to 10 micrometer। हमारे जो हेयर से भी हज़ारवा हिस्सा इसका, अगर हमारे हेयर के हज़ार पार्ट किए जाए, ओके, इसको 1000 पार्ट्स में अगर डिवाइड किया जाए तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट बचेगा वो डेट इज़ बैक्टीरिया, स्मॉल साइज उससे भी बल्कि उससे भी छोटा ये होता है। ओके, 1 micrometer to 10 micrometer। सो ये बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, ओके, और इंडिपेंडेंट है, पैरासिटिक है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ये ग्रो कर सकते हैं। समटाइम्स मैनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज, ये जो है तो एक साथ ग्रो होकर एक कॉलोनीज तैयार कर लेते हैं। ओके, जहाँ का ये इनको मौका मिला, फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला है तो फौरन जो है तो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, इजंट इट। पैरासिटिक मीन्स ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के ऊपर भी रह सकते हैं, वहाँ पर भी ग्रो कर सकते हैं, उनमें जाकर भी ग्रो कर सकते हैं। ओके, जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे एनिमल्स के ऊपर, किसी प्लांट के ऊपर अगर ये चले गए तो वहाँ अपने आप को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। ओके, इनकी ग्रोथ बढ़ती चली जाती है, जनरेशन बढ़ती है। ओके, बैक्टीरियल सेल इज़ प्रोकैरियोटिक विद सेल वॉल, ये जो है तो सेल वॉल से ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ओके, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, जैसे कि अभी कहा मैंने, बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनिज्म आर अब्सेंट, इजंट इट। दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन इनके अंदर होता है। बाइनरी फिशन क्या होता है कि एक बैक्टीरिया फेवरेबल एनवायरनमेंट में ब्रेक डाउन होता है, दो बैक्टीरिया फॉर्म करता है, देन दीज टू बैक्टीरिया ब्रेक डाउन इंटू अनदर 4 bacteria, ये दो बैक्टीरिया नए 4 bacteria तैयार करते हैं। सो विद इन 20 to 25 minutes और इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ये डबल हो जाते हैं, इनका क्वांटिटी डबल हो जाता है। ओके, इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो विगरसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 minutes। अपने 20 minutes में वो अपने नंबर को ग्रो कर डबल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया कोको बैसिलस, ओके, वाइब्रियो एंड स्प्रिलियम, सो दीज आर सम कॉमा शेप, ओके, इसको कॉमा शेप भी कहते हैं वाइब्रियो को। तो दीज आर फ्यू काइंड्स ऑफ बैक्टीरियाज, अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस कंसेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। प्रोटोजोआ क्या है, देयर साइज इज अप्रॉक्सीमेटली 200 micrometer to 200 micrometer। ओके, इनका जो साइज़ है ग्रेटर देन बैक्टीरिया से इनका जो साइज़ ज़्यादा है, ये ज़्यादा उनसे साइज़ में बड़े हैं। ओके, जबकि हमने देखा है कि 1 micrometer to 10 micrometer होता है क्या बैक्टीरिया, जबकि प्रोटोजोआ आप देख रहे हैं कि 200 माइक्रोमीटर का है, यानी इसका जो साइज़ है थोड़ा सा बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। प्रोटोजोआस आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर, सी वाटर, ये कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश में, सॉइल में, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में भी पाए जा सकते हैं। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड आर पैथोजेनिक, कुछ जो है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दीगर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडी पर भी पाए जा सकते हैं, और या पैथोजेनिक है, मीन्स दे आर हार्मफुल, दे कैन प्रोड्यूस डिसीजेज। ओके, ये इनकी वजह से डिसीज हो सकते हैं, अगर ये कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स के तो वो उनको डिसीज पैदा कर सकते हैं। ओके, हार्मफुल है।
दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ यूकैरियोटिक सेल. ओके, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ओके, वेल डेवलप्ड है. ओके, बट दे आर यूनिसेलुलर, स्टिल दे आर यूनिसेलुलर, फिर भी ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्स है. दीज आर ग्रेट वेरिएशन, देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर. इनका सेल स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग हो सकता है. ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमंग प्रोटोजोआंस. अब इनके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग तरीके से अपना फूड को इंजेस्ट करते हैं, फूड को एब्सॉर्ब करते हैं. ओके, दीज ऑर्गन्स ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन. जैसे मैंने आपको कहा, सिंपल सेल डिवीजन के जरिए से भी इनका क्या होता है, ग्रोथ बढ़ती चली है, इनकी जनरेशन बढ़ती है. ओके, इनकी क्वांटिटी बढ़ती है. ओके, सेल डिवीजन से इनका सेल ब्रेक होता है, दो सेल तैयार करते हैं, वो दो सेल जो है तो अनदर फोर सेल्स तैयार करते हैं. इस तरह से मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं. अमीबा पैरामीशियम फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर. ये अमीबा और पैरामीशियम जो है आप देख सकते हैं, अमीबा और पैरामीशियम ये कहाँ पाए जाते हैं, लिविंग वाटर में, डर्टी लिविंग वाटर. ओके, डर्टी वाटर के अंदर. एंटामीबा हिस्टोलिटिक काउज अमीबायोसिस. एंटामीबा हिस्टोलिटिक है ये जो प्रोटोजोआ है इस टाइप का, इससे जो है तो एक डिसीज़ होता है अमीबायोसिस. अमीबायोसिस क्या होता है, इससे जो है तो डायरिया वगैरह हो सकता है. ओके, पेट के अंदर तकलीफ होती है इसकी वजह से, और फूड पॉइजन वगैरह हो सकता है. इजंट इट, प्लास्मोडियम वाइवेक्स कॉज मलेरिया. प्लास्मोडियम वाइवेक्स जो है क्या है, ये एक मलेरिया का प्रोटोजोआ है. ओके, ये इंसेक्ट्स है जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से मलेरिया का डिसीज़ हो सकता है. ओके, कहाँ पाया जाएगा ये मलेरिया, किसकी वजह से है, मॉस्किटो की वजह से, मॉस्किटो की वजह से होता है. तो ये मॉस्किटो के अंदर पाया जाता है, और मॉस्किटो से हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है. जब मॉस्किटो बाइटिंग करता है, बाइट करता है, उस वक्त में ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है. योगलिना इज़ द ऑटोट्रॉपिक. योगलिना क्या है, ऑटोट्रॉपिक है. इजंट इट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सम कॉन्सेप्ट्स. ये कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने आज स्टडी किया है. सो आई होप ये लेक्चर आपके पसंद समझ में आया होगा. हमने जो है तो प्रोटिस्टा क्या होते हैं, इनके टाइप्स देखे हैं. ओके, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं. ओके, किंगडम फंगाई, किंगडम फंगाई हमने ये देखे. उसके बाद हमने माइक्रो क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, और इनके जो है तो टू टाइप्स हमने अभी देखा है, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. आई होप ये लेक्चर आपके को पसंद आया होगा. अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो स्टूडेंट, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू वेरी मच.